हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीएच वैल्यू ट्रिक। तो चलिए समझ लेते हैं कि पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका डिस्कवरी किसने किया, इसका रेंज कितने से कितने होता है, कितना से कितना तक एसिड बोल सकते हैं, कितने को न्यूट्रल बोल सकते हैं और कितना से कितना को बेस बोल सकते हैं, और साथ ही साथ में बहुत सारे पीएच वैल्यू आपको बताने वाला हूँ 1 to 30। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, इसका पीएच का फुल फॉर्म तो हो गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब चलते हैं कि इनका डिस्कवरी किसने किए थे। तो इस पीएच वैल्यू का डिस्कवरी सबसे पहले किसने किए थे, सारेनसन ने किए थे। किसने किए थे, सारेनसन ने। इसका पीएच स्केल का रेंज कितना होता है, 0 से 14 के बीच होता है, 0 to 14 के बीच होता है। अब बात करेंगे कि कितने तक एसिड होता है, कितना बेस होता है, कितना न्यूट्रल होता है। less than 7, यानी कहा जाए तो 0 से लेकर के 6.9 तक जो होगा, यानी 7 से कम, वो होगा हमारा एसिड। यदि परफेक्ट 7 आ जाए, एग्जैक्ट 7, तो उसे हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे, यानी कलरलेस। जैसे वाटर, वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है और इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, इसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। अब बात करेंगे बेस क्या होता है। more than 7, यानी 7.1, 7.2 से लेकर के 14 तक का जो रेंज होता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, बेस कहलाता है। चलिए अब चलते हैं, एक एक करके सबका पीएच वैल्यू जानते हैं। तो वाटर यानी जल, जल का पीएच वैल्यू होता है दोस्तों 7। उसके बाद सॉल्ट, सॉल्ट यानी नमक, नमक का पीएच वैल्यू होता है 7। उसके बाद बात करेंगे ब्लड, ब्लड यानी खून का पीएच वैल्यू होता है 7.4। उसके बाद बात करेंगे टीयर्स यानी आंसू, आंसू का पीएच वैल्यू भी होता है 7.4। उसके बाद बात करेंगे स्लाइवा यानी कि जो मुंह में लार पाए जाते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 के बीच होता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे तो मिल्क, मिल्क का यानी दूध, दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.4। उसके बाद बात करेंगे यूरिन यानी पेशाब, मानव मूत्र बोल सकते हैं, तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे तो विनेगर, विनेगर यानी सिरका जिसको बोल सकते हैं, तो सिरका का पीएच वैल्यू होता है दोस्तों 3। अब आगे बात करेंगे तो देखिए वाइन और एल्कोहल यानी शराब या तो एल्कोहल का जो पीएच वैल्यू होता है 2.8 होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो लेमन, लेमन यानी नींबू, नींबू का पीएच वैल्यू होता है 2.4। नेक्स्ट जो है सी वाटर यानी समुद्री जल का पीएच वैल्यू होता है 8.5, 8.5। तो इस प्रकार से 1 से 11 तक का तो कवर कर लिए दोस्तों। अब चलते हैं आगे, आगे क्या पढ़ना है, NaCl यानी कहा जाए तो सोडियम क्लोराइड बोल दे या नमक बोल दे या कॉमन सॉल्ट बोल दे, सभी एक ही चीज है, तो इसका पीएच वैल्यू होता है दोस्तों 7। चलिए अब उसके बाद बात करेंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। चलिए अब बात करेंगे सेल एसिड, सेल एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद बात करेंगे टमाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 4.5 होता है। उसके बाद चलेंगे दोस्तों तो सोडा, सोडा का पीएच वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद सेव, सेव का पीएच वैल्यू भी 3 ही होता है। अचार, अचार का पीएच वैल्यू होता है 3.5 से 3.9 के बीच होता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे तो शैम्पू, शैम्पू का पीएच वैल्यू 7 से 10 के बीच होता है। उसके बाद बात करेंगे अम्लीय वर्षा जिसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 5। नेक्स्ट बात करेंगे तो चाय, चाय का पीएच वैल्यू होता है दोस्तों 5.5। उसके बाद बात करेंगे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू होता है 8। उसके बाद बियर, तो बियर का पीएच वैल्यू होता है 4.5। अब नेक्स्ट चीज़ें चलेंगे तो केला, केला का पीएच वैल्यू होता है 4.5 से 5.2 के बीच में। उसके बाद होगा दोस्तों पनीर, पनीर का पीएच वैल्यू होता है 5.9। उसके बाद बात करेंगे मक्खन, मक्खन का पीएच वैल्यू होता है 6.1 से 6.4 के बीच होता है।
नेक्स्ट बात करेंगे तो अंडा का पीएच वैल्यू होता है 7.8, टमाटर का रस का पीएच वैल्यू होता है दोस्तों 4.1। चलिए उसके बाद बात करेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू होता है दोस्तों 8.5। और उसके बाद बात करेंगे लास्ट तो अमोनिया, अमोनिया का पीएच वैल्यू होता है 11.6। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे सभी का वन, इस वीडियो में मैंने 1 से 30 तक का पीएच वैल्यू कवर किया और आप आसानी से, उम्मीद करेंगे कि आप आसानी से इसे याद कर लीजिए, जिससे कि हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ पूछ ही लिया जाता है, एक न दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।